आप देखिए कितना बड़ा मजाक है जो लोग खुल्लम खुल्ला सड़क पे नारे लगवाते हैं गोली मारो के, और दो दिन बाद गोली चलती है, उन्हें अरेस्ट नहीं किया जाता। जो पुलिस के सामने खड़े होके, साथ खड़े होके भड़काते हैं, धमकाते हैं, उन पर FIR नहीं होता। दंगों के बीच में जो वीडियो चलाती है मारो या मरो, उसकी छानबीन नहीं होती है। किनसे सवाल पूछे जाते हैं? हम जैसे लोगों से, जिनका नारा था एक हाथ में संविधान, दूसरे में तिरंगा, मन में अहिंसा, जनगण मन का मान। उन लोगों से सवाल पूछे जा रहे हैं ताकि पूरे NTCA प्रोटेस्ट को बदनाम किया जा सके। वो दिल्ली पुलिस जो 6 महीनों से अपने ही दिल्ली पुलिस के लोगों को ढूंढ नहीं पा रही, जिन्होंने फैजान को मार दिया वीडियो के ऊपर, जिन्होंने पत्थर चलाए, जिन्होंने CCTV तोड़े, वो चिराग लेके हम लोगों के स्टेटमेंट को ढूंढ रही है। सवाल ये है कि क्या ये किसी षड्यंत्र की जांच हो रही है, या कि ये जांच ही अपने आप में षड्यंत्र है? कहीं दिल्ली पुलिस ले दे के अपनी पूरी छानबीन में उस निष्कर्ष की पुष्टि करने तो नहीं बैठी जो गृह मंत्री अमित शाह जी ने 11 मार्च को पहले ही डिक्लेयर कर दिया था। गृह मंत्री जिन्होंने 25 फरवरी को दिल्ली के चीफ मिनिस्टर से मिलने के बाद बोला ये तो स्पॉन्टेनियस वायलेंस हो गई, बाद में बोला कि यूपी से आए थे लोग, इन्होंने हिंसा कर दी, लेकिन 11 मार्च को कहा ये षड्यंत्र था, उन लोगों के नाम गिना दिए जिनका षड्यंत्र था। तो क्या दिल्ली पुलिस की सारी जांच उस षड्यंत्र को सच्चा साबित करने की है? और अगर ऐसा करेंगे तो क्या देश का विश्वास कानून व्यवस्था पे रह जाएगा? दिल्ली पुलिस की यूनिफॉर्म पे ऑलरेडी एक दाग है 1984 का। मुझे अफसोस है कि दिल्ली पुलिस कहीं एक दूसरा दाग अपनी यूनिफॉर्म पे